खबर की ओर, जहां खबर उड़ीसा के टांगी से आ रही है, जहां मंगला जोड़ी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र बन चुका है। जी हां, यहां के चिल्का झील में देसी विदेशी पक्षियों की चहचहट से इस केंद्र की खूबसूरती अब और दोगुनी हो गई है। इन पक्षियों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए सैलानियों की भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यहां हर साल विल्डक, नॉर्दर्न पिंटेल, रूडी सेलडॉक और आईबी सहित लगभग 100 प्रजातियों के 1,00,000 से भी ज्यादा पक्षी आते हैं, क्योंकि चिल्का में उत्तम जलवायु रहती है। यहां 11 अस्थायी पक्षी संरक्षण शिविर स्थापित किए गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पक्षी संरक्षण के लिए टांगी वन्यजीव विभाग की ओर से चिल्का में 24 घंटे का गश्ती दल स्थापित किया गया है। तो वही कोल्ड स्नैप जारी रहने की संभावना के कारण विदेशी पक्षियों की संख्या भी अब बढ़ने की उम्मीद है। अभी तक आ गया 1,20,000 तक पंछी आ गया मंगला जोड़ी एरिया को, और पंछी और बढ़ेगा। ठंडा नहीं था, आज मौसम ठीक है, अभी निकले पंछी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो कितना प्रजाति के पक्षी अभी तक आए हैं? अभी पंछी आ गया 60 प्रजाति का पंछी आ गया मंगला जोड़ी, और लगभग आएगा और 45 तक आ जाएगा, पीसीस बढ़ेगा। जोड़ी में अभी तक हम 30 से 40,000 बर्ड्स देख पाएंगे, उसमें गॉडविल है एंड सोबलर है, पिंटेल है, गार्गेनी है और कॉमन पुट है, और कुछ माइग्रेटरी बर्ड अभी आना बाकी है। तो इस साल कितने प्रजाति के पक्षी आए हैं अभी? अभी तक के लिए तो हम 50 से 60 टाइप ऑफ बर्ड्स हम देख पा रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा था, तो वही होप कि जैसे ठंडी बढ़ रही है तो उसके साथ ही पक्षियों का